बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी अनमता अहमद सिद्दीकी फ्रॉम द टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दे चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम फ्रॉम द टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो मैंने इंटरव्यू भी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही कंडक्ट करना है। तो मैंने जिन शख्सियत को मैं आपको मुतारिफ़ कराती चलूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, और मजीद जो है सर PhD होल्डर हैं कराची यूनिवर्सिटी से। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है यहाँ यूनिवर्सिटी में कि ये बड़ा प्रोडक्टिव वर्क है और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, फ़ीमेल तो ख़ास तौर पर। तो आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आपने जो है मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह ये काविशें जो हैं वो यकीनन रंग लाएंगी, और इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपकी जो खिदमत हैं वो याद रखी जाएंगी। तो सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे। जैसा कि 1972 की जो पॉलिसी थी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और पॉलिसी किस बेस पर बनाई गई थी? मतलब देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो 1972 की पॉलिसी थी, ये वज़ीर आज़म भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और अब्दुल हफीज़ फीरज़ादा साहब जो थे वज़ीर तालीम, और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था, बड़ा यानी नया पाकिस्तान का एक तस्वीर आया था, दो हिस्सों में बढ़ चुका था पाकिस्तान, और उस वक्त पॉलिसी बनाना इतना आसान नहीं था। और मैं कहूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था पूरा, उसमें जो जो कुछ देखा है हमने, वो बहुत ही आला किस्म की जो चीज़ें पाकिस्तान में आज नज़र आ रही हैं वो उसी हुकूमत की लाई हुई हैं, और बदकिस्मती से उसको हम सही तौर पे हैंडल नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें 1972 की पॉलिसीज़ में देखें, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ उसमें सबसे पहले कि आइडियोलॉजी को जो है इम्प्रूवमेंट पर जोर दिया गया, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। देखें, आइडियोलॉजी मराज ये कि किसी नज़रिए के तहत कोई चीज़ बनाई जाती है। जब पाकिस्तान बना तो एक नज़रिया था, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद थी कि भाई इंडिया में जो एक यूनाइटेड इंडिया था, उसके अंदर दो कौमें, मुसलमान हिंदू, एक साथ नहीं चल सकते। और एक तस्वुर था, एक दो कौमी नज़रिए का तस्वुर तो यानी एक सदी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गया इसका तस्वुर स्ट्रॉन्ग होता गया, और इसी तस्वुर से बना आइडियोलॉजी जो है उसको सामने रखना है, और फिर एक मुसलमान की हैसियत से। उसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी आपकी जो है उसके डेवलपमेंट का एक पहलू रखा गया, शख्सियत का निखार पैदा करना, यानी इस्लामी जो उसूल है उसके मुताबिक आपकी शख्सियत बनाना, आप में वक़ार हो, सच गोई हो, सदाकत, फिर आप में ईमानदारी हो, आपको देखने से लगे कि वाकई एक मुसलमान है आप, ये एक पॉलिसी का हिस्सा था। फिर यूनिवर्सल एजुकेशन का तस्वुर आया, यूनिवर्सल से मरा दिए कि एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक बड़ा वाइटल वो था। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बताई गई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें चीज़ थी वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी। 1972 की जो पॉलिसी थी उसमें क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट थे, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, इन सबको कौमी तहवील में ले लिया गया। ये बड़ी डिबेटेबल है, और इसमें इसके इम्पैक्ट भी आए, अच्छे भी आए और बुरे भी आए, लेकिन ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद इसमें जो है एक चीज़ फ्री एजुकेशन का ताज़ा हुआ, और ये बड़ा वैलिड था, तालीम को आम कर दिया गया और तालीम जो है फ्री कर दी गई, एक तस्वीर ये भी था। दूसरी चीज़ ये थी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जो है, पहले जो तस्वीर था वो ये था कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को कन्वर्ट करके
यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बना दिया गया था 1974 में। तो ये एक बहुत मुस्तहकम, आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जो था, अब आज के दौर में उसे हम HEC बोलते हैं, 2002 में HEC बना और वो HEC की शक्ल में आप मौजूद हैं, और HEC के बग़ैर आप कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, कोई एजुकेशन आपकी जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकती, कोई डिग्री वेरीफाई नहीं हो सकती बग़ैर HEC के तस्दीक से, आगे नहीं जा सकती वो। ये एक बड़ा प्रोटेक्टिव वर्ड था। नेशनल बुक फाउंडेशन भी उसी ज़माने में बना, ये बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त पहलू है उसका। फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान वगैरह में बनाए गए, ये बनाए जाएंगे, बल्कि उसमें था बनाए गए, ये उसमें था। उस पर एक और चीज़ थी कि 1974 में पीपल्स यूनिवर्सिटी का, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का तस्वुर आया, और आप पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी से तस्वुर से मुराद समझती हैं कि आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और ये बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया में दूसरी और एशिया में पहली यूनिवर्सिटी है। UK में एक यूनिवर्सिटी थी ओपन यूनिवर्सिटी, 1969 में बनी थी, और दूसरी पाकिस्तान में बनी है अल्लामा इकबाल ओपन 74। ये एक बड़ा बहुत ही यानी एक ऐसा वर्क था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है नेशनल बुक फाउंडेशन भी ही थी, और नेशनल रिसर्च बोर्ड भी बना, स्पोर्ट्स बोर्ड भी बने, और ये सब यानी पॉलिसी के लिहाज से बनाए जाएंगे और बाद में बने भी है। तो मैं समझता हूँ ये 72 की पॉलिसी जो है अनबिलीवेबल, इसमें जो स्टेप्स जो पॉइंट्स हैं वो बड़ा निखार उसमें पैदा हो सकता था अगर हम पूरी तरह इसको इम्प्लीमेंट करते, पूरी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती हमारे मुल्क में, आगे अमल को अगर चलने दिया जाता तो बड़ा बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस पॉलिसी में बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए थे, जैसा कि पाकिस्तान बिल्कुल नया नया था, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है कि उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम था, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए थे? हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसमें बिल्कुल चेंज आया। फ्री एजुकेशन का तस्वुर वहीं से, आज भी फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो ज़ाहिर फ्री है ना। फिर एजुकेशन जो है सबके लिए थी, आज सबके लिए सारे आपके सामने। फिर उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है, पीपल्स यूनिवर्सिटी थी और अल्लामा इकबाल आज भी मौजूद है, इम्प्लीमेंट तो नज़र आ रहा है, आज उसकी कामयाबी नज़र आ रही है आपको। फिर उसमें जो आपका रिसर्च पे तवज्जो थी, आज भी रिसर्च के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल ही नहीं। पॉलिसीज़ में बहुत ऐसी चीज़ थी। फिर यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन था, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन आज HEC की सूरत में मौजूद है जो मैंने आपसे पहले बताया। इसके अलावा जो है नेशनल बुक फाउंडेशन मौजूद है, स्पोर्ट्स का जो आप देखें जितने बोर्ड्स हैं, तो मैं समझता हूँ 1972 तो अमली तौर पर मौजूद है आज भी। हाँ अगर उसको शेप दिया जाता है, उसको थोड़ा और तवज्जो दी जाती और इतना ज़्यादा हमारे यहाँ करप्शन नहीं होता, उसको चलने दिया जाता, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान आज दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर रहा होता, तरक्की याफ्ता मुल्कों। सर, जैसा कि जो है वो कम्प्लीटली एक नया इनिशिएटिव था, अब एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया था, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए क्या टीचर्स के रोल पर कोई इम्पेक्ट पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। देखें टीचर के रोल पर इम्पेक्ट ये पड़ा था कि टीचर जो थे ज़्यादा वो भी अलर्ट हो गए थे, उनको पता था एक पॉलिसी आ रही है जिसमें कि हमें इस एजुकेशन को आम करना है, तो उन्होंने एक वर्क के तौर पे, एक टास्क के तौर पे करा टीचर्स ने, और मुहिम भी चलाई कि हम पेरेंट्स को राज़ी करें बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे आए भी। लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सी ऐसी इन्वॉल्वमेंट हैं जो हमारे सिस्टम को सक्सेसफुल नहीं होने देती, किसी भी सिस्टम को, तो टीचर्स में तो मैं यही कहूँगा कि मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया आने वाले उसमें। अगर मेरिट का ख्याल रखा जाता, आज टेस्ट बिल्कुल है, टीचर का टेस्ट मौजूद है, गेट सब्जेक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय यह है कि मेरा अपना देखें पर्सनल है, हो सकता है लोग इससे मुत्तफिक ना, 70-70% जो टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो स्कूलों में होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी के, मैं ये कहूँगा, मुझे कहना, मैं माजरत चाहता हूँ कि वो इस पोजीशन पे लाने के हकदार नहीं थे कि यूनिवर्सिटीज़ में आके जो उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी जो बेसिक स्किल नज़र नहीं आती है। प्राइमरी स्कूल के अगर टीचर या स्कूल टीचर्स को अगर आप, तो उनका आप, ये नहीं कि सारे ऐसे हैं लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इसी तरह आप बहुत से स्कूलों में ऐसे टीचर मौजूद हैं जिनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए,
तो ये हमारे सिस्टम की ख़राबी है। पॉलिसी तो अपनी जगह सक्सेसफुल नज़र आती है, लेकिन इसको मज़ीद सक्सेसफुल लाने के लिए ज़रूरी है कि बहुत से फैक्टर्स जो हैं इसको वो अगर नहीं होते तो आज हम बहुत आगे होते। सर, जैसा कि आपने बताया कि पॉलिसी ये थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो हमारी पॉलिसी का ओवरऑल गोल जो था, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो उस गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रही थी या नहीं? आने वाली जो गवर्नमेंट थी उस पर डिपेंड करता था ना सारा। देखें, ये जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी, बहुत ही ज़बरदस्त काम हुए उसमें, ऐसे ऐसे काम हुए। अगर पॉलिसी से हटके भी करें तो नादरा का जैसे सिस्टम देख लें आप, एटॉमिक डॉक्टर कदीर साहब को बुलाया भुट्टो साहब ने, जितना वर्क चला और जितने भी काम हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त उनके दौर में हुए हैं। और दूसरे फैक्टर पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इसको आगे अगर आने वाले भी इसको फॉलो करते हैं तो ये पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। पॉलिसी चाहे कोई भी बनाए, अच्छे काम को हमें इनक्रेज करना चाहिए, और आज भी किसी ना किसी शेप में कामयाबी की सूरत में मौजूद है। देख लेना, HEC मौजूद है आपके पास, जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी जो ग्रैंड कमीशन था, HEC की जरूरत मौजूद है, और आपका करिकुलम बोर्ड मौजूद है, और रिसर्च के जो प्रोडक्टिव वर्क उसी पॉलिसी का हिस्सा है, फ्री एजुकेशन मौजूद है, नेशनलाइज हुए हुए हैं सारे स्कूल जो उस ज़माने में थे। कुछ इसके नेगेटिव इम्पेक्ट भी आए जो नेशनलाइजेशन हुई, कुछ लोग जो थे माली तौर पर मुस्तहकम नहीं रहे क्योंकि किराए पर थे और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन अगर इन सारे पॉइंट्स को अलग रखा जाए तो एक बुनियादी तौर पर तो एक अच्छी पॉइंट बात थी कि हमने तालीम आम कर दी, बच्चों को खींच के लेके आए और तालीमी माहौल पैदा किया। सर, आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर ये 1972 की पॉलिसी ऐसे ही चलती रहती तो पाकिस्तान की जो रियलिटी है उसमें क्या चेंजेस आती, और जो आज की नीड्स हैं और वो जो उस वक्त अगर हम पॉलिसी को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते तो क्या चेंजेस आते आज और उस वक्त में? अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन पॉलिसीज़ को जो पॉइंट्स है उसके, तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि आज किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं होता। आपके पास रिसर्च भी हो रही होती, बड़ी रिसर्च तो आज भी हो रही है, लेकिन रिसर्च में जो जिस तरह फोकस उन्होंने करा था वैसे हो रही होती। हमारे यहाँ जो फाल किरदार था, जो प्राइवेटाइजेशन जो थी उसको नेशनलाइजेशन करना था, फैक्टर कन्वर्ट करना था, उसका बड़ा मुस्बत किरदार हो सकता था। इसी तरह हमारा जो था एक आइडियोलॉजी का तस्वुर था, वो बाद में तो खैर नज़र आया, अभी भी नज़र आता है, जो हमारे जो इन सर्विस ट्रेनिंग थी और जो पोस्ट सर्विस जो प्री सर्विस ट्रेनिंग थी और पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग थी उसको भी बाकायदा आज बड़ा उसका नज़र आता है। कहीं ना कहीं सूरत में कामयाबी नज़र आती है, लेकिन अगर पूरी तरह हम इसको तवज्जो से करते तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं कहता हूँ एक बड़ी खूबसूरत पॉलिसी थी और बड़ा कामयाब भी नज़र आती है। तो जैसा कि मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, अगर हम इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दें तो पाकिस्तान जो है वो बहुत सक्सेसफुल कंट्रीज़ के साथ होता। सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, और जिस तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये जो प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको इनक्रेज करना चाहिए, और फेडरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बड़ा फाल किरदार अदा कर रही है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत यहाँ मैंने एटमॉस्फेयर देखा है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन कराए और जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं वो किसी तौर पे भी जो है मैं कहता हूँ कि उनको इनक्रेजमेंट मिलनी चाहिए, और हमारा मुस्तकबिल है, और आप सब के लिए मेरी स्पेशल दुआ है कि आप आगे मुल्क और कौम का नाम रोशन करें, अपने वालदेन का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।